हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप। सो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। ओमान T20 सेकेंड एडिशनल का ये दोस्तों 25 मैच कवर कर रहे हैं कि यूटी वर्सेस एएमआर के बीच में ये मुकाबला होगा। ये भी मैचेस आप सभी के लिए जैकपॉट रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखो ताकि मैच से जुड़ी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में जान पाओ। और दोस्तों इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को यहाँ से हमें ग्रैंडिस के टीम्स में ट्राई करना है, विद जो भी हमारे कैप्टन वाइस कप्तान के लिए इंपॉर्टेंट एंड डिफॉल्ट ऑप्शंस रहेंगे इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस मुकाबले में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स हैं जो कि आपको इस मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके देंगे। तो जो भी हमारे डिफरेंशियल ऑप्शन है, इनकी प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस है, ये सारे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देंगे, तो एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको मिलेंगे। और वैसे भी गाइज आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी चलते हैं और यहाँ से प्ले प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। तो गाइज देखो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे फैंटेसी क्रिक फैन टेलीग्राम से जुड़ो। जो भी हमारे ग्रैंड लीग स्मॉलेस्ट की फाइनल टीम्स होती हैं अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देते हैं। यहाँ पे जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ोगे तो डायरेक्टली हमारे रियल टेलीग्राम पे जुड़ोगे जहाँ पे 9.9K सब्सक्राइबर्स जुड़कर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा रहे। तो रियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने लोग भी नहीं ज्वाइन किए जल्दी से जुड़ जाओ और सिर्फ दोस्तों मैच के टाइम हमारे चैनल पर एक्टिव बने। क्योंकि देखो इनकी बैटिंग मोड और प्लेइंग 11 के बाद जो भी हमारे टीम्स में चेंजेस होते हैं इसके सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने लोग भी नहीं ज्वाइन किए जल्दी से जुड़ जाना। अब बात करेंगे ये ओमान T20 25 मुकाबला जो 9 बजे करीब में मैचेस स्टार्ट हो रहा है। और हमेशा की तरह जो हमारा सजेशन रहता है कि लेट नाइट जितने भी मुकाबले हो रहे आप पहले से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखा करो, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो कंपटीशन लेवल है वो आपको काफ़ी लो मिलेगा। वेन्यू जो है अलमेद क्रिकेट ग्राउंड ओमान के वेन्यूज़ पे ये मुकाबला, जहाँ पे सेम ग्राउंड अभी तक रिसेंट के मुकाबले खेले गए। एवरेज स्कोर आपको 120 या 150 के आसपास में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। वही अगर हम बात करेंगे इनकी वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न, रिसेंट के जो 50 मुकाबले खेले गए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 22 बार और बैटिंग सेकेंड विन करने वाली टीम ने 27 बार विन किए। एक मुकाबला टाई हुआ था। फर्स्ट इनिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 152 का, जहाँ पे हाइस्ट स्कोर कुवैत का था 210 पे 4 विकेटें। लोएस्ट स्कोर नेपाल की टीम जो 64 पे आपको ऑल आउट हुई थी। हालांकि दोस्तों अगर आप इनकी पिच बात करोगे तो पिच कंडीशन एक तरह से बैलेंसड ही है, जहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों को ही अच्छी हेल्प मिले। थोड़ी सी स्पिनर्स का रोल अच्छा दिखा है रिसेंट फॉर्म बेसिस पे देखे तो जो भी बॉलिंग ऑप्शंस ट्राई करना, कोशिश करना स्पिनर्स के साथ जाओ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जुड़ जाओ। फाइनल टीम्स और जो भी हमारी ग्रैंड लीग स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन होंगी अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पर ही देंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। तो देखो यहाँ पर जो एएमआर के टीम में इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लेयर स्टैटिस की अगर हम बात करें तो इनकी टीम ने खेले गए 6 मुकाबले में 3 विन 3 लॉस करके आ रही। और इनकी ही टीम की ओर से जाकिर इस्लाम जो राइट हैंडर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक और बॉलिंग है, 6 मुकाबले 60 रन 2 विकेट था इनका। रिसेंट फॉर्म देखो तो 7 का स्कोर विकेटलेस थे, जिसमें 2 ओवर ज़्यादा ये बॉलिंग कराए ही नहीं। इससे पहले 29 का स्कोर 1 विकेट, 10 का स्कोर विकेटलेस, फर्स्ट मैच में इन्होंने 48 का स्कोर किया। बैटिंग से औसत बेहतरीन है, जिसमें आपको 20 या फिर 30 प्लस एवरेज स्कोर इनसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये टीम के मेन बैटिंग जो एज अ प्लेयर पिक करके जाएंगे, विनायक शुक्ला रिसेंट फॉर्म 140 से पहले 58 46, उसके बाद 0, इसे फर्स्ट मैच में भी 90 का स्कोर था। तो इस सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट इनके पास आउटस्टैंडिंग फॉर्म 8 मुकाबले टोटल 252, जिसमें 42 का औसत था, 52 बार लगाए। और इससे पहले भी इनका T20 फॉर्म डोमेस्टिक लेवल में काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से कैप्टन वगैरह भी करना चाहो तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ग्रैंड लीग के 2-3 टीमों में इनको कैप्टन वाइस कप्तान करके जाएंगे। इनके अलावा शाहिद अली राइट हैंडर बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म 32, इससे पहले 200 विकेटलेस थे। इनकी पार्ट टाइम बॉलिंग एज अ बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा स्टार्ट्स नहीं। अगर आप जीएल के टीम्स में रखना चाहो तो आप ग्रैंड लिस्ट में रिस्क ले सकते हो, बाकी हम स्मॉलिंग में सजेशन नहीं देंगे। पार्थिक केटिंग की कैप्टनसी करें, प्लस पॉइंट्स में आपको विकेट कीपिंग से कैचेस के भी पॉइंट्स देंगे। 29 मुकाबले 781 31 के एवरेज है। और इनकी जो रिसेंट फॉर्म 52, इससे पहले 11, उसके बाद 42 19 का स्कोर, बैटिंग से अच्छे टच में चले, प्लस पॉइंट्स में आपको कैचेस से भी ये पॉइंट्स दिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेंगे टीम्स में इनको पिक करना, बाकी एक दो चीयर के टीम्स में कैप्टन भी करके जा सकते हो। रफीउल्ला की बात करेंगे तो ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराकर देंगे। 46 मैचेस टोटल 1100 रन, जिसमें 29 के एवरेज और 53 विकेट थे। फर्स्ट मुकाबला 3 विकेट 9 का स्कोर, इससे पहले भी 1 विकेट। एक विकेट टेकर शानदार है, जिसमें बैटिंग से नहीं बॉलिंग से आपको एक एवरेज विकेट टेकर्स ही रहे थे। तो टीम्स में एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाएंगे। एक मिडल ऑर्डर बैटिंग एज अ प्लेयर भी इनको टीम्स में रखना, पर ग्रैंड लीग के एक दो टीमों में इनको कैप्टन भी कर सकते हो। इनके अलावा जो यहाँ पर
जीते नहीं ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट मीडियम बॉलिंग, 41 मुकाबले, 517 19 के एवरेज, जिसमें 34 विकेटे थे। रिसेंट फॉर्म विकेटलेस, इससे पहले वन विकेटे, एक ही मुकाबला इनका ख़राब गया था, बाकी इससे पहले के हर एक मुकाबले में इन्होंने 102 विकेटे निकाले। तो इनकी जो बॉलिंग है ना दोस्तों, डेथ में भी आपको देखने को मिलेंगे, टीम्स का इंपॉर्टेंट टॉप प्लेयर्स रहेंगे, यहाँ से इनको पिक करके जाना, फिर साथ ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग ड्रॉप करेंगे। शकील अहमद ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग है, 66 मुकाबले में 120 विकेटे मिले। अब खेलेंगे रिसेंट फॉर्म देखोगे तो एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, जिसमें 3 विकेटे 19+1 विकेटे, इससे पहले भी इनकी जो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही शानदार है। तो कैप्टन ग्रैंडलीज के एक दो टीमों में करना, आप स्मॉलिक्स है तो सिर्फ एज आ प्लेयर ही पिक करो, अगर आप स्मॉलिक्स में रिस्क ले पा रहे हो तो फिर कैप्टन करके जाओ। बाकी इनके अलावा हसन अली शाह 29 मैचों में 26 विकेटे, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 2 विकेटे, इससे पहले ये 1 विकेटे 3 विकेटे, अच्छे टच में चले, टीम के अच्छे प्लेयर्स रहेंगे, एज अ प्लेयर इनको पिक करना। इनके अलावा फजल शाह 28 मैचेस 24 विकेटे, लेफ्ट मीडियम बॉलिंग है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेटे 3 विकेटे, विकेटलेस, इनकी बॉलिंग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एज अ प्लेयर लेकर जाएंगे। मोहित पटेल को अभी ड्रॉप करेंगे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, से पहले खेले गए मुकाबले में इनके पास ओवर्स भी कट रहे हैं, 41 मुकाबले 24 विकेटे, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग है, पर आप जीएल के टीम स्पिन इनको ज़रूर से ट्राई करना। तो चार मेन बॉलिंग इनके पास है, शकील अहमद, हसन अली शाह, इनके अलावा फजल, और यहाँ पर एक चौथे ऑप्शन जितेन रहेंगे, जो कि आपको चार प्लेयर्स बॉलर्स तो टीम में रखना ही है। बाकी जो टॉप ऑर्डर के बैटिंग ऑप्शन है, यहाँ से आपके पास जाकिर हो जाएंगे, विनायक शुक्ला है, इनके अलावा आप चाहो तो शाहिद या फिर पार्थिक में से किसी एक को ट्राई करना। तो ये एएमआर के प्लेयर्स से हमारे पास रहेंगे। बाकी इनके अलावा जो क्यूटी की टीम है, अब खेलेंगे 5 मुकाबले 3 लॉस 2 विन इनका पास, अब देखो तो अब इनकी टीम की ओर से यहाँ पर अयप्पा चुनिरा नजर आएंगे। देखो ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग है, 9 मुकाबले 219 रन, जिसमें 24 के एवरेज और 9 विकेटे थे। रिसेंट फॉर्म ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ भी अच्छा नहीं किया, यहाँ से अभी इनको हम जीएल के कॉम्बिनेशन में रखेंगे। कश्यप प्रजापति 35 मैचों में 1247 40 का औसत है, शतक एक बार आया था, बाकी जो अर्धशतक इनके पास वो 10 बार था। हालांकि जो रिसेंट फॉर्म देखो तो 38 से पहले 9 15 उसके बाद 15+ स्कोर, तो टीम के अच्छा ऑप्शन से एज अ प्लेयर लेकर जाना। ओपनिंग ही आएंगे सोहेब खान, राइट हैंडर बैट्समैन है, पार्ट टाइम किसी किसी मैच में बॉलिंग कराते हैं, पर अभी तक रिसेंट 3 मैच लगातार ये फ्लॉप जा रहे हैं। एक फर्स्ट भी मुकाबला था जिसमें 57+ स्कोर, उसके बाद के सारे मैचेस ये फ्लॉप रहे, जीएल के कॉम्बिनेशन में लेकर जाना। बाकी अनवर देखो ये राइट हैंडर बैट्समैन है, 10 मुकाबले 183 36 का औसत है, रिसेंट फॉर्म 42 से पहले 35 10 उसके बाद 14 का स्कोर, इन दोनों में से किसी एक बैटिंग रख सकते हो, खास करके अनवर को जो भी इनकी टीम पहले बैटिंग कराती है। तो अयान खान ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग है, कैप्टन है, वाइस कप्तान के भी सेव है, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स है, 35 मुकाबले टोटल 807 रन, जिसमें 42 का औसत और 27 विकेटे थे, रिसेंट फॉर्म 48 का स्कोर, विकेटलेस, इससे पहले 10 का स्कोर 1 विकेटे, तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अच्छी है। जीएल के भी 2-3 टीमों में कैप्टन करना। सूरज कुमार अब देखो रिसेंट फॉर्म 14 इससे पहले 11th, इससे पहले भी 14 उसके बाद 18, इस तरह से बैटिंग ऑप्शन जिस तरह से इनके पास है ना कुछ खास अच्छा नहीं है। अब विकेट कीपिंग भी कराते हैं, अभी इनको ड्रॉप करेंगे। बाकी जो संदीप गोंडी राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, 26 मुकाबले 4 विकेटे इनके पास, 14 का एवरेज था, इनकी भी ओवर्स कट रहे, हालांकि बॉलिंग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं। फर्स्ट मैच 2 विकेटे, सेकेंड मुकाबले में 1 विकेटे, इस तरह से 2 विकेटे, बॉलिंग इंपॉर्टेंट है, एज अ प्लेयर इनको लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर श्रीवास्तव ये लेग ब्रेकर बॉलिंग है, 16 मैचों में 18 विकेटे निकाले, रिसेंट फॉर्म 2 विकेटे, विकेटलेस, 1 विकेटे 2 विकेटे, बॉलिंग अच्छी है इनके पास, कभी कभार ये डेथ में भी आते हैं। सिद्धार्थ का जो स्टार्ट है 26 मुकाबले में 28 विकेटे, रिसेंट 2 मुकाबले से फ्लॉप, स्टार्टिंग मैच में 3-3 विकेटे निकाले, तो दोनों ही बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इन दोनों में से किसी एक के साथ जाएंगे। इनके अलावा जो गणेश 31 मुकाबले 43 विकेटे, रिसेंट फर्स्ट मैच 1 विकेटे, उसके बाद ये विकेटलेस दे, इनके ओवर्स भी कट रहे हैं। अंसारी का भी राइट में फास्ट बॉलिंग, 34 मुकाबले 44 विकेटे, थोड़ी सी अंसारी अच्छे दिखेंगे, पर रिसेंट फॉर्म कुछ भी बढ़िया गया नहीं, तो आप अंसारी या फिर गणेश में से किसी एक को रखो। अभी सिद्धार्थ और यहाँ से श्रीवास्तव के साथ जाएंगे। बेंच ऑप्शन इनके जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे, सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से प्रोवाइड कराएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को हमारे ज़रूर से ज्वाइन करना। अभी चलते हैं फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं। तो गाइज देखो ये जो टीम है ना सेफ है, सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये टाइमिंग 2 घंटे से कम का बचा है, थोड़ी सी शॉर्ट प्रीव्यू करेंगे आपको, टीम्स प्रीव्यूज दिखा रहा हूँ। 2 विकेट कीपर रखे हैं, एएमआर के इंग्लिश में ये टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट किए हैं, तो बाकी जो जीतने के चांसेस है वो एएमआर के टीम ही है जो इस मुकाबले को जीत सकती है। तो सेफ कॉम्बिनेशन है, देखो कैप्टन है वाइस कप्तान के लिए, जो सेफ ऑप्शन है ना आपके पास अयान खान है, जिसमें इनकी बॉलिंग और बैटिंग इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स है, और इस समय जो बॉलिंग इंपॉर्टेंट लगातार हर एक मैचों में आपको 2 से 3 विकेटें निकाले, तो आप इनके साथ वाइस कप्तान से जाओ, या फिर
गोंड के साथ जा सकते हो, जिसमें इनकी भी बॉलिंग और बैटिंग अच्छी दिखेंगे। तो ये सेफ टीम है, बाकी चेंजेस होगा तो अपने रिस्क बेसिस पे टीम्स कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर सकते हो। पर मेरी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं मैच टाइम, तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ना मत भूलिएगा।